नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद एके। दोस्तों, जब संतान पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है तब वो अपने भविष्य के निर्माण के सपने बुनना शुरू कर देती है। इसके लिए वह तमाम तरह के करियर की तरफ नज़र भी दौड़ाती है और फिर उनमें से किसी एक को चुनकर उनमें आगे बढ़ने का प्रयास करती है। करियर में कामयाबी पाने के लिए किसी का तो बहुत जल्दी सपना पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके लिए काफ़ी संघर्ष करने पड़ते हैं, खास तौर पर आजकल के समय में, क्योंकि इस दौर में करियर शुरू होने से पहले थम सा जाता है और कुछ को अपने करियर को बचाए रखने के लिए रात दिन संघर्ष करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, करियर में कामयाबी पाने के लिए भी ज्योतिष में कई प्रभावीता उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर आप करेंगे तो आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। जैसे यदि आपका करियर शुरू होने से पहले थम सा गया है तो आप प्रत्येक रविवार को किसी पीली गाय को गुड़ के साथ रोटी देना आरंभ कर दें। इस प्रयोग को आप लगातार 11 रविवार तक करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करने पर निश्चित रूप से करियर में कामयाबी और बेरोजगारी में लाभ मिलेगा। करियर में कामयाबी पाने के लिए बुधवार के दिन श्वेतार्क गणपति को घर में लाएं और घर के पूजा स्थल पर उन्हें विधि विधान से प्रतिष्ठापित करें। आप चाहें तो गणपति को अपनी तिजोरी में भी स्थापित कर प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। करियर में सफलता पाने का ये बहुत ही सिद्ध और प्रभावी उपाय है, जिसे करने पर करियर के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी आती है। करियर में कामयाबी पाने के लिए शुक्रवार के दिन अपने घर में मोर पंख लेकर आएं और इसे पूजा घर में रखें। इसे प्रतिदिन धूप दीप दिखाकर पूजा करें। यदि प्रतिदिन न कर सके तो कम से कम शुक्रवार के दिन इसकी विशेष रूप से पूजा करें। यदि आप अपने करियर को बनाने के लिए इंटरव्यू या फिर किसी व्यक्ति की मदद लेने के लिए घर से निकल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका प्रयास 100% सफल हो, तो आप घर से निकलते समय मुख्य द्वार के बाहर पूर्व दिशा में थोड़ी सी नाग केसर रखकर अपना कार्य बोलते हुए निकले। ऐसा करते समय अपना दायां पैर पहले आगे बढ़ाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप भी अगर अपने करियर को लेकर चिंतित हैं तो ये उपाय बिल्कुल करके देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में बड़े ही सुंदर से विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।